गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए आपका 2022-23 यानी न्यू सेशन का इंग्लिश का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसका एग्ज़ाम पैटर्न, कौन कौन से चैप्टर्स किस कौन सी बुक्स में से, एंड उसके ग्रामर सेक्शन में सारे कितने सेक्शन में आपका पेपर होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे, एंड कैसे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन आपका जो पेपर है वो तीन सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स, एंड सेक्शन सी आपका लिटरेचर होगा। इसमें आपका सेक्शन ए में जो रीडिंग स्किल्स आपका 20 मार्क्स की होगी। 20 मार्क्स में आपका दो पैसेज दिए जाएंगे, एक पैसेज आपका अनसीन पैसेज होगा जो कि कंप्रेशन, इंट्रेशन इन सब पे बेस्ड होगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा, और एक और दूसरा भी अनसीन पैसेज होगा वो भी आपका केस बेस्ड होगा, और ये दोनों मिला के 700-750 वर्ड्स के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो यानी दो इसमें आपको पैसेज दिए जाएंगे, दोनों पैसेज आपको करने हैं 10-10 मार्क्स के। सेक्शन बी में आपका कुछ राइटिंग स्किल्स आ जाएंगी, इसमें इसमें शॉर्ट और लॉन्ग राइटिंग स्किल्स होंगी। आपको नोटिस लिखना होगा, 5 नंबर का आएगा। फॉर्मल या इनफॉर्मल इन्विटेशन 5 मार्क्स का आ जाएगा। लेटर जो कि वर्बल और विजुअल इनपुट पे बेस्ड हो वो भी 5 मार्क्स का आ जाएगा, यानी लेटर आएगा, फॉर्मल इनविटेशन या इनफॉर्मल इनविटेशन, नोटिस और आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग भी आएगी आपकी, जो कि 5 मार्क्स की होगी। टोटल यहाँ पे भी आपका 20 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स हो गया। नेक्स्ट सेक्शन सी जो हमारा, इसमें आपके बुक्स आएंगे लिटरेचर से। फ्लामिंगो जो आपकी बुक है उसमें से दो क्वेश्चन पोएम आपको दो दी जाएंगी, बट आपको कोई एक करनी है वो 6 मार्क्स की आएगी। फिर चैप्टर में भी एक एक्स्ट्रा का आएगा विस्टास वाली बुक में से, और ये 4 नंबर का होगा, दो में से कोई एक करना है आपको। फिर फ्लामिंगो बुक में से आपका जो चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन आ जाएगा, ये 6 मार्क्स का आ जाएगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि प्रोज और पोएट्री फ्लामिंगो बुक से आपको पूछा जाएगा, ये भी आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5×2 10 मार्क्स हो जाएगा। फिर विस्तार वाली बुक से भी आंसर करने आएंगे आपको, 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई दो करने हैं, इसमें 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 5 करने हैं, और हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का हो जाएगा। फिर एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर या पोएम आपको फ्लामिंगो बुक से पूछा जाएगा, जो कि आपको 120-150 वर्ड्स में करना है, 5 नंबर का आएगा, दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका विस्तार वाली बुक से भी आएगा, जो कि 150-150 वर्ड में ही करना है, दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक करना है, 5 मार्क्स का आ जाएगा ये भी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फ्लामिंगो बुक में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। तो फ्लामिंगो में चैप्टर आपके द लास्ट लेसन, लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेस, ये चैप्टर आपके फ्लामिंगो बुक में से आ जाएंगे। और पोएम आपकी इसमें माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंक ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्ट्रेंजर एंड आंट जेनिफर्स टाइगर, ये आपकी पोएम्स फ्लामिंगो बुक में से आ जाएंगे। फिर विस्टास बुक जो कि आपकी एक सप्लीमेंट्री रीडर वाली बुक है, इसमें चैप्टर आ जाएंगे द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, तो ये आपके विस्टास वाली बुक में से चैप्टर आपके आएंगे। टोटल आपका 80 मार्क्स का जो है पेपर बनेगा, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, लिसनिंग स्किल 5 मार्क्स की, स्पीकिंग स्किल भी 5 मार्क्स की, प्रोजेक्ट वर्क आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल 20 मार्क्स। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आपका ऐसे आएगा, सेक्शन ए 20 मार्क्स का, क्रिएटिंग राइटिंग स्किल सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स का, और सेक्शन सी जो आपका वो 40 मार्क्स का। टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, एंड इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स का, तो टोटल 100 आपका ग्रैंड टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका सिलेबस मैंने आपको अच्छे से बता दिया कौन कौन से, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।